बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एवरीडे साइंस हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 1 है हमारा। एवरीडे साइंस बेसिकली होता क्या है? ये मतलब एक वास्ट फील्ड में आ जाता है। जैसे पहले हमने पाकिस्तान अफेयर पढ़ा, वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान से रिलेटेड होगा, इस्लामियत है, इस्लामियत से रिलेटेड होगी। एवरीडे साइंस ज़रा थोड़ी सी वास्ट फील्ड आ जाती है, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनको गो थ्रू करना होता है। जैसा कि आप लगा लें एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और क्या क्या इजादात हो रही हैं। ये अलगर्ज मतलब जो डेली की एवरीडे साइंस से मुराद ये है कि डेली रूटीन में जो जो साइंस की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बेसिक एक्टिविटीज़, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको एवरीडे साइंस को भी हम जो है 8-9 लेक्चर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आज पहला लेक्चर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से मुराद क्या होती है? सोलर सिस्टम होता है सन एंड इट्स फैमिली, सूरज और उसकी फैमिली। तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं निज़ाम शमसी, निज़ाम शमसी, ये वही होता है निज़ाम शमसी। इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब पार्ट्स होते हैं निज़ाम शमसी में। मेन जो तमरकज होता है वो सन होता है, और सन के गिर्द डिफरेंट टाइप के जो हैं स्ट्रक्चर्स वो ऑर्बिट कर रहे हैं। उनमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। एक तो सन खुद हो गया, दूसरा मून हो गया। मून हर सैटेलाइट का अपना होता है। टोटल सैटेलाइट कितने हैं कोई बता सकता है? और सॉरी, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कितने हैं टोटल? और हर प्लैनेट के गिर्द जो उसका नेचुरल सैटेलाइट घूम रहा होता है उसको मून कहते हैं। जैसे जमीन का एक ही चांद है, जैसे आप लोगों के भी अपने अपने चांद है, वैसे ही। कोई 9 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। अच्छा चलो, पर्चियां डाल लो, मैं कहता हूँ। अच्छा प्लैनेट्स, फिर ड्वार्फ प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, मेटेराइड्स, कॉमेट्स और आस्टराइड। ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट टाइप की सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, जिसका मेन मरकज सन है और बाकी सारे जो हैं उसके गिर्द रोटेट कर रहे हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। 8 प्लानिट हैं जी, पहले 9 होते थे 2006 तक। 2006 तक 9 होते थे, जब तक मेरा ख्याल है हम मैट्रिक एफएससी में होते होंगे शायद। हाँ जी, प्लूटो नहीं रहा, अभी उनकी कॉल आई थी, प्लूटो नहीं रहे, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट में आ गया, वो हम देख लेंगे। अच्छा ये देखिए, ये सोलर सिस्टम है, इसमें ये जो नज़र आ रहा है ये सन है, और चार ये हैं प्लैनेट्स और चार ये हैं, ये 8 प्लैनेट्स हो, ठीक है। और जो ये वाले प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट कह देते हैं, ये सूरज के करीब हैं। इन चार को जो है आउटर प्लैनेट कह देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, इन चार के गिर्द एक ये इस तरह बेल्ट सी बनी हुई है, ये वाली, ये पत्थर से जो बने हुए हैं, इसको कहते हैं ऑस्टराइड बेल्ट। ऑस्टराइड बेल्ट, ये ऑस्टराइड्स हैं जो दरमियान में है, ठीक है, अगले चार और पिछले चार जो प्लैनेट हैं उनके दरमियान। और इसी तरह एक बेल्ट ये वाली है, ये आखिरी चार के बाद, आउटर प्लैनेट्स के बाद। क्या मेटेराइड ये होते हैं? नहीं, मेटेराइड नहीं, ये ऑस्टेराइड, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑस्टेराइड है, मेटेराइड अलग होता है। ये जो बाहर वाली बेल्ट है इसको कहते हैं क्यूपर बेल्ट। दो बेल्टें हो गई, अंदर वाली बेल्ट जो है ऑस्टेराइड बेल्ट, और जो बाहर वाली बेल्ट है उसका नाम आज हो जाता है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। इनको डिटेल में आगे हम देखते हैं, फिलहाल हम जो है वो चलते हैं बारी बारी। सन को देख लेते हैं, मून को देख लेते हैं, अर्थ को देख लेते हैं, उसके बाद प्लैनेट्स को देख लेंगे।
और बाकी जो चीजें हैं उनका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, एस्टेरॉइड, मेटेराइड्स और कॉमेट्स वगैरह, इन सारों में ना साइज का फर्क होता है, एस्टेरॉइड, मेटेराइड्स और कॉमेट्स वगैरह में। और जैसे सबसे पहले अगर आप लगा लें सन का, तो आपको पता चल गया सन को हम अभी देख भी लेंगे, सन स्टार है और मेन मरकज है सोलर सिस्टम का, जिसके के सारे जो हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर मून, मून हर जो प्लैनेट होता है ना उसका अपना मून होता है, हर किसी का अपना अपना चांद होता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, हर बंदे का अपना अपना चांद होता है, तो कुछ का एक चांद होता है, कुछ के ज्यादा होते हैं, वो हम देख लेंगे किसके कितने कितने चांद हैं इन 8 प्लैनेट्स में से। जैसे जमीन का तो एक ही चांद है ना, लेकिन जमीन के साथ ही मार्स है, उसके 2 चांद है, ठीक है, आगे कुछ कह रहे हैं किसी के 67, किसी के 62, किसी के 27, इस तरह करके सैटेलाइट्स हैं जिनके जिनको चांद कहते हैं, तो उसकी भी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। उसके बाद अर्थ की प्रॉपर्टीज देख लेंगे, प्लैनेट्स को देख लेंगे। अच्छा, प्लैनेट्स वो होते हैं जो रोटेट करते हैं सन के गिर्द एक खास ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ये इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट राउंड होते हैं ये, ठीक है, जमीन जैसे ओवियॉइड से शेप है, स्फेरिकल शेप है, तो ये ऑलमोस्ट राउंड होते हैं, सन के गिर्द हरकत घूम रहे होते हैं और ये अपना ऑर्बिट क्लियर करते हैं। अच्छा, पहले 9 होते थे जो हैं अपना प्लैनेट्स, लेकिन बाद में 2006 में एक डेफिनेशन की गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वालों की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा प्लैनेट की डेफिनेशन ये होगी, तो उसकी डेफिनेशन का एक पार्ट ये था कि प्लैनेट वो होते हैं जो अपना ऑर्बिट क्लियर करते हैं, उनके रास्ते में कोई चीज नहीं आती, ठीक है, फुल अपना चक्कर काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका जो ये जैसे ये वाला है, ये इसका देखें, ये अपना ऑर्बिट ऐसे फुल कंप्लीट कर रहा है, इसका ऑर्बिट ऐसे ये सूरज के गिर्द अपना पूरी रोटेशन करेगा, रास्ते में कोई चीज नहीं आती। लेकिन अगर एक प्लेनेट मौजूद है यहाँ पे, वो तो इनसे टकरा जाएगा ना, ऑस्ट्रॉइड से टकरा जाएगा, वो अपना प्रॉपर जो है ऑर्बिट उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, तो इस डेफिनेशन पे प्लूटो पूरा नहीं उतरा, तो उन्होंने प्लूटो को निकाल दिया और उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। ड्वार्फ प्लैनेट छोटे प्लैनेट, ये 8 जो है वो प्लैनेट्स हैं और 4 से 5 जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट हैं, जिसमें प्लूटो आ जाता है, इससे पहले सीरस इसके अंदर आता था, माकी माकी इसके अंदर आता था, ठीक है, ये ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर आते थे, सीरस, माकी माकी, प्लूटो भी उसी में आ गया। फिर आ जाते हैं ऑस्टेरॉइड, मेटेराइड और कॉमेट्स, ये भी डिफरेंट इरेगुलर शेप के चीजें हैं जो अपना सन के गिर्द रोटेट कर रही हैं। असल जो इनका खास फर्क इतना जो है वो बस साइज की वजह से इनका फर्क डाला हुआ है कि 1000 किलोमीटर जिसका रेडियस होगा उसको जी ये वाला कह दिया, ठीक है, इसके अब एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं है जो है कितने कितने किलोमीटर होता है, यूं 1 किलोमीटर जिसका रेडियस होगा उस तरह है, फिर 1000 किलोमीटर जिसका रेडियस होगा, यूं करके वो डिफरेंट को उन्होंने तकसीम कर दिया, ठीक है, जो बाकी 3 बचते हैं ऑस्टेराइड, कॉमेट्स और मेटियोराइड्स, ये होते तीनों अलग अलग हैं, होते ये अपना सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, फर्क इनके साइज में आ जाता है डिफरेंट, वो जो चमकता हुआ सितारा नजर आता है वो मेटेराइड्स के अंडर आता है, वो जो दुमदार सितारा होता है ना वो टूटता है, तो जब जैसे जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होता है तो उसको आग लग जाती है, आग लगती है तो वो जो है फिर हमें वो नजर आता है गिरता हुआ, दुमदार सितारा नहीं, सॉरी उसको कहेंगे वो जो जिसको देख के दुआ मांगते हैं, वो वाला दुमदार सितारा कॉमेट्स को कहते हैं बेसिकली। कॉमेट सूरज के करीब होता है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल पड़ती है सूरज की उसको, और वो गैसेस का मोस्टली एक हाला होता है, तो वो कुछ खींचा सा जाता है सूरज की तरफ और उसकी धूम सी निकल आती है, और चमकता हुआ जो होता है, हाँ जी, वो मेटियोर कहलाएगा, जो मेटेराइड जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होता है तो वो फिर मेटियोर बन जाता है, मेटियोराइड। अच्छा, हम बारी बारी जो है इन्हें देख लेते हैं, सन को देख लेते हैं पहले, फिर मून को देख लेते हैं, कुछ अर्थ को देख लेते हैं और आखिर में फिर प्लैनेट्स को
देख लेंगे जरा तफसील में, प्लैनेट्स में से काफी आता है, बाकी सारे जो ये स्किप किया ऑस्ट्रॉइड मेटेराइड्स कॉमेट्स इनमें से खास इतना आता नहीं है, बाकी पता कुछ भी नहीं चलता कहाँ से पेपर आ रहे। तो ये देखें सोलर सिस्टम के पार्ट सन मून प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट्स मेटेराइड्स कॉमेट और ऑस्ट्रॉइड। मेटेराइड्स कॉमेट्स और ऑस्ट्रॉइड का मैंने आपको बता दिया, ये जो आखिरी तीन है ये डिफरेंट इरेगुलर शेप के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ गैशियस भी जो सूरज के गिर्द कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं। ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर मैंने बताया जो प्लैनेट की डेफिनेशन पूरे नहीं उतरते अपने ऑर्बिट क्लियर नहीं करते वो ड्वार्फ प्लैनेट में आ जाते हैं, जैसा कि इसके अंदर प्लूटो को डाल दिया गया और सीरस एक है CERS, इसके अलावा माकी माकी एक है ये इसमें आ गया। ये जो ऊपर वाले तीन है सन मून और प्लैनेट्स इसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सन को देख लेते हैं, ये जो है सन क्लोजेस्ट स्टार है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, गैलेक्सी कक्षा को कहते हैं और गैलेक्सी सिर्फ एक नहीं है बिलियंस की तादाद में है, ठीक है बिलियन की तादाद में गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका हम पार्ट है, ठीक है मतलब यूं ऐसे लगा लें यूं ये बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं ऐसे ऐसे डिफरेंट, इनका शेप डिफरेंट हो सकता है, उनमें से सिर्फ एक गैलेक्सी जो है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और सन उसके दरमियान में है और इसके गिर्द जो है वो यूं प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ये एक गैलेक्सी है ठीक है जिसको हम सोलर सिस्टम, और बाकी इसके अलावा जो दूसरी दूसरी तरफ गैलेक्सीज है वो बिलियंस की तादाद में और भी हैं, जादू भी होंगे, हाँ एक जादू तो इधर भी है ना इसकी सूरत में भी आ गया ना, जादू होंगे हर जगह, ये भी यहाँ का नहीं लगता एलियन नहीं लगता, तो मतलब बहुत बड़ी है ये कायनात, हम तो मतलब सिर्फ जो है वो इसको एक्सप्लोर कर लें गैलेक्सी को अपनी वाली को मिल्की वे गैलेक्सी को वही बहुत है। अभी सूरज की आप जरा क्वालिटीज देखते तो आप थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा जो ये सन है वो 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड अंदाजा लगाएं 4.5 अरब पुराना, इसका जो डायमीटर है 1.4 मिलियन किलोमीटर है। अब ये 1.4 इस तरह ये घूमेगा 1.4 मिलियन किलोमीटर, मतलब वहां तक हमारी सोच खत्म हो जाएगी जहां पे उसने घूमना है। बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंगली क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें आप, मतलब क्वेश्चन आपका समझा नहीं। अच्छा और सन का जो मास है वो 1.9 × 10³⁰ kg है, ठीक है ये सारे जो ये फिगर लिखे हैं ये आपने याद करने हैं चाहे रटा मार के करें या जैसे भी करें। और सन कितना बड़ा है जमीन से, हम कहते हैं ना 2 गुना बड़ा, हाँ जो मोस्ट रिलायबल थ्योरी चल रही है ना वो बिग बैंग की है, जो इस वक्त हम मोस्टली चलते हैं कि एक सिंगुलैरिटी थी बिग बैंग थ्योरी ये कहती है, ठीक है और वो बिग बैंग एक बड़ा किस्म का धमाका हुआ और ये सारी चीजें बन गई, मतलब सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी से मुराद इस तरह एक एक चीज मौजूद थी कभी इसमें, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था ठीक है ऐसे डेंसिटी बहुत ज्यादा थी इसकी यूं, फिर ये एक्सपेंड होना शुरू हो गई बाहर की तरफ, धमाका हुआ और डिफरेंट जो है वो चीजें बन गई, सन बन गया प्लैनेट्स बन गए बाकी सारी चीजें, ये बिग बैंग थ्योरी है। मोस्ट जो एक्सपेक्टेड जो एक्सेप्टेड है वो यही है, इसके अलावा भी और थ्योरीज हैं स्टीफास्ट और ये वो। अच्छा खैर देखिए सूरज का जो डायमीटर है 1.9 × 10³⁰ इसकी पावर है kg और जमीन से 330,000 गुना बड़ा है, ठीक है बना किसका होता है, ये दो गैसेस हैं हाइड्रोजन और हीलियम उसका मोस्टली बना होता है, हाइड्रोजन जो है 90% और 8% हीलियम और 2% हैवी मेटल, ठीक है ये वाला पॉइंट देखिएगा कि हाइड्रोजन 90% हीलियम 8%
और हैवी मेटल 2% इसके अंदर होते हैं, मतलब मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ है। और इसकी जो डेंसिटी है वो 1.4, टेम्परेचर जो है इसका एवरेज वो तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर का अंदाजा लगाएं 6000, यहाँ पे मतलब गर्मी कितनी हो जाती है जब 40, 42, 48 या 50 तक चला जाता है, तो इसका टेम्परेचर देखिएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके सेंटर में जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होता होगा ये मिलियंस में, ठीक है, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर ऊपर वाला है वो ओवरऑल है इसका 6000। और इसके जो कोर है, दरमियान वाला हिस्सा है जो मेन हीटेड है, उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और जो डिस्टेंस है सूरज और जमीन का वो 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर। ये बस आपने ये रट्टा मार के याद कर लेने, ये सारे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर कितना है। असम्पशन है, जहरी बात है, असम्पशन में फिर काफी हद तक किया भी है ना, तजर्बे किए भी हैं काफी सारे वेव्स भेज के, ठीक है, कोई रेडिएशंस भेज के उनका वापसी का वक्त नोट करके, तो काफी हद तक क्लोजेस्ट हैं, ठीक हैं ये, मतलब इनको ऐसे नहीं, मतलब तुक्का तन नहीं कह दिया। और ऊपर सैटेलाइट्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं जो इनको मैयर करती हैं। एग्जैक्ट तो नहीं होंगी ये चीजें, लेकिन अप्रोक्सीमेट जरूर होंगी, ठीक है। ये सूरज के बारे में थी चीजें। सूरज की जो रोशनी है वो जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है, तब तक दूसरी रेज इस तरह आती जाती हैं, जो उधर से रेज इधर तक पहुंचेगी वो 8 मिनट और 20 सेकंड लेगी। और सूरज और जमीन के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको पेरिहिलियन कहेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस को एपिहिलियन कहेंगे। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है, ये देखिए ये सूरज है अगर, और ये अर्थ है। आपको दोबारा सुना देते हैं, ये अर्थ है, अर्थ टिल्टेड होती है ऐसे 23.5 डिग्री के ऊपर, याद ना करें ये चाहे, लेकिन याद रखेंगे ऐसे टिल्टेड होती है थोड़ी सी, तो ये वाला डिस्टेंस कुछ और होगा और यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और होगा। ये देखें दो लाइनें लगाई, ऊपर वाली लाइन बड़ी लग रही है ना, क्यों बड़ी लग रही है, क्योंकि मैंने खींची जानबूझ के ऐसे है, और कोई साइंस नहीं है मजाक के अलावा। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना वो देखें वो बड़ी है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, नीचे वाला फासला जो है वो कम है, ये वाला हिस्सा सूरज के करीब है, तो जो हिस्सा सूरज के करीब होता है वो डिस्टेंस कम होता है उसको कहते हैं पेरिहिलियन, मतलब ये नीचे वाला पेरिहिलियन डिस्टेंस कहला जाएगा और ऊपर वाला जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम एपिलियन कह देंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस का आपको बता रहा था। और इसके अलावा सूरज भी गैलेक्सी में मूव कर रहा है 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और इसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में 250 मिलियन ईयर लग जाते हैं, और जितनी साल अरसे में ये कंप्लीट करता है उसको हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। हर कोई अपने अपने मदार में घूम भी रहा है, ये सूरज है ना सन, ये अपने मदार में घूम रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द, ये अर्थ आ जाती है, ये भी रोटेट गोल गोल भी घूम रही है, ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है, ठीक है, इस तरह ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है और गोल गोल भी घूम रही है। फिर इसका एक मून आ जाता है, मून भी इसी तरह जमीन के गिर्द भी घूम रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, ये सारे मतलब चक्रों में पड़े हुए दायरे में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ही साइंस है, और कैसे मुनज्जम घूम रहे हैं ये आपस में टक्कर नहीं खाते। अगर हम सन का स्ट्रक्चर देख लें तो 6 लेयर्स होती हैं बेसिकली सन की, लेकिन हाँ जी अल्लाह ताला ने ये पावरफुल क्रिएशंस बनाई हैं बिल्कुल। हमारी तो मतलब सोच ही दंग, इतने फासले सुन के वहां तक जेन ही नहीं जाता कि
150 मिलियन किलोमीटर कितना होता होगा, मतलब कितना, यहाँ से हम देखते हैं नजर तो आ जाता है सूरज, और जब हमें नजर आ रहा होता है वो जस्ट उसका एक पार्ट नजर आ रहा होता है, जो सिर्फ वो रोशनी दे रहा है, मेन हिस्सा नहीं नजर आ रहा होता सूरज का। सूरज की एक लेयर का नाम है कोरोना, CORONA, कोरोना, कोरोना वायरस वाला कोरोना, कोरोना। हमें सिर्फ वो कोरोना पार्ट नजर आ रहा होता है, बाकी तो हमें मतलब नजर भी नहीं आ रहा, और हमें तो सॉलिड सा लग रहा होता है, कुछ सॉलिड, ये सॉलिड नहीं है, ये गैशियस होता है। जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम से 90% हाइड्रोजन और 8% हीलियम, तो दोनों गैसेज हैं, तो ये गैशियस होता है बेसिकली, और अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं। MCQs में भी था कि कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, हीलियम और हाइड्रोजन मिल रहे होते हैं। एटम बम जिस तरह बनता है उसके अंदर तो फिशन रिएक्शन होता है ना, टूटते हैं, इसमें ही हाइड्रोजन हीलियम मिल रहे होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है और धमाके हो रहे हैं उसकी सरफेस पे सूरज के, तो वो जो धमाके हो रहे हैं उनकी हीट होती है जो सूरज की हीट है, और ये गैशियस फॉर्म में है। अच्छा, 6 लेयर्स हैं बेसिकली, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो हैं वो कोर और फोटोस्फेयर है। कोर जो है दरमियान वाला हिस्सा होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, 15 मिलियन सेंटीग्रेड, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, और जो हिस्सा हमें नजर आता है उसको फोटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, और इसकी लेयर 500 किलोमीटर थिक है, और ये क्रोमोस्फेयर और सेंट्रल कोर के दरमियान है टेम्परेचर इसका, ये मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, वहां से सही तरह समझ आएगा सूरज की लेयर, ये देखिएगा। ये है जी सूरज, ये पहली लेयर इसकी, ये दरमियान वाली जो है ये, इसको कह देते हैं हम कोर। इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, ये दूसरी लाइट रेडी रेडिएटिव जोन हो जाता है, फिर तीसरी कन्वेक्टिव जोन, फिर ये चौथी फोटोस्फेयर, फिर पांचवी क्रोमोस्फेयर, और ये बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर होती है इसको कह देते हैं कोरोना, ठीक है। ये 6 लेयर्स होती हैं बेसिकली, 1, 2 के, वो आपने देख लेने, और उसके बाद आ जाते हैं मून पे, चांद पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ओहो, कहाँ चले गए, जी ठीक नहीं जी, कोरोना इसकी वजह से नहीं आ रहा, वो कोरोना वायरस अलग है, ये कोरोना उसकी लेयर का अलग नाम है। क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदो, पाकिस्तानी साइंटिस्ट की जो है ना सोच कहाँ तक पहुंचती है। अच्छा, मून, मून बेसिकली क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे 8, उनके गिर्द जो जो नेचुरल सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, दो तरह के सैटेलाइट होते हैं ना, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। कुछ सैटेलाइट तो हम यहाँ से भी भेज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जमीन से भेजा, वो जमीन के गिर्द रोटेट कर रहा है मौसम जानने के लिए, लोकेशन जानने के लिए, या जिस लिए भी मतलब जो भी पर्पजेज के लिए भेजते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। कुछ सैटेलाइट हैं वो शुरू से ही अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल तौर पे घूम रहे हैं जमीन के गिर्द, किसी भी प्लेनेट के गिर्द, तो जो जमीन के गिर्द घूमता है उसको ल्यूनर कहते हैं, मून कहते हैं। इस तरह 8 हैं, तो हर किसी के अपने अपने हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि हर किसी के कितने कितने हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, ऑल नेचुरल सैटेलाइट्स डेट ऑर्बिट प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून, ठीक है, चांद, चक्कर जो लगाता है ना किसी के गिर्द उसको चांद कहते हैं, जैसे आप लोगों के चांद भी आपके चक्कर लगाते होंगे, और हमारा जो मून है उसका नाम है ल्यूना, LUNA, ल्यूनर ईयर भी हम कहते हैं इसीलिए क्योंकि इसका नाम ल्यून है, और ये सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पे बड़ा चांद है, और भी इससे भी बड़े बड़े चांद है। इसका अगर ओवरऑल देखा जाए जो
कौन से नंबर पे आता है, तो ये पांचवें नंबर पे आता है साइज के हिसाब से। इसका डायामीटर जो है वो 34-74 किलोमीटर है, 3,474 किलोमीटर। इसका मास जो है 7.3 × 1022 किलोग्राम। देखिए मतलब इसका मास कितना कम है सूरज के मुकाबले में। सूरज का हमने देखा था 1.98 × 10³ था, ठीक है, ये इसका जरा कम है। ये जमीन का चांद है लियोना, ठीक है, ये जमीन के गिर चक्कर लगाता है। इसकी डेंसिटी जो है 3.34 ग्राम। ये सारे मतलब कुछ इनमें से कम जो है वो एज इट इज, जो स्लाइड है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिपीट हो जाते हैं वो वैसे ही देख लेते हैं कि डेंसिटी कितनी है, मास कितना है, डायमीटर कितना है, अभी तो ये याद नहीं होगा। और डिस्टेंस जो है वो कितना है, 384,400 किलोमीटर, ठीक है। और सन का डिस्टेंस कितना था, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब चांद जो है वो करीब है जमीन के काफी सारा, और सूरज बहुत दूर है, ठीक है। सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये तो मतलब अगर मिलियन में इसको कन्वर्ट करें 0.3 मिलियन बनतेगा ना, 0.3 मिलियन कहीं बन रहा है और कोई 150 मिलियन है, कितना फर्क है। कितने वक्त में ये जमीन के गिर चक्कर अपना कंप्लीट करता है, 27 days और 7 hours में, राउंड अबाउट इसको आप 28 days कह लें, 28 दिन कह लें। और इसके अलावा अपने एक्सिस के गिर्द भी ये घूम रहा होता है, खुद अपने गिर्द भी घूम रहा है। एक्सिस से घूमने से मुराद ये है कि ये इस तरह गोल गोल भी घूम रहा है, इस तरह ऐसे जैसे एक लट्टू को हम घुमाते हैं, तो ये अर्थ आ गई अगर, और इसके गिर्द भी घूम रहा है, अर्थ के गिर्द भी घूम रहा है, ये मून है अपने गिर्द भी, जैसे लट्टू को आप घुमाते हैं वो एक सेंटर में घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाज का एक जगह स्टिल होके घूम रहा है तो वो उससे मुराद है कि वो अपने गिर्द ही घूम रहा है, लेकिन बाज का वो घूम अपने गिर्द भी रहा होता है और लंबे लंबे चक्कर भी काट रहा होता है, ठीक है। जिन्होंने लट्टू घुमाए हुए उन्हें ज्यादा पता होगा। तो ये मून अर्थ और सन का ये स्टाइल है कि ये अपने गिर्द भी घूम रहे हैं और किसी के गिर्द भी घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी इस पे भी होती है, जमीन की ग्रेविटी से 1.6 कम होती है, मतलब अगर आप चांद पे चले जाएं तो आपको अपना वजन कम कम महसूस होगा। यहाँ पे फौरी तौर पे आप नीचे आएंगे, वहां थोड़ी देर बाद नीचे आएंगे। और टेम्परेचर देख लीजिए कि दिन के टाइम 160 डिग्री होता है और रात के टाइम -153 होता है, कितनी वेरिएशन है, है? दिन के टाइम कितना गर्म है 160 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम -153 सेल्सियस। तो ये रेंज याद कर लें, 160 से लेके -153 तक है। और एटमॉस्फेयर कोई खास नहीं होता, कुछ इनर्ट गैसेस मौजूद होती हैं। मून पे तो काफी लोग जा चुके हैं आपको पता है, और डिफरेंट सैटेलाइट जाते रहते हैं। उसके बाद हाँ जी, नील आर्मस्ट्रांग गया था पहला बंदा, और दूसरा बंदा कौन था, वैसे तो दूसरी टांग भी इसने रखी थी लेकिन दूसरा बंदा कौन था उसका नाम बताएं। पीपीएससी ऐसे सवाल पूछता है, चांद पे कदम रखने वाला पहला बंदा तो नील आर्मस्ट्रांग था, तो नेट है नहीं आपके पास उसके ऊपर, नहीं इसमें दूसरे को ज्यादा याद रखा जाता है, पीपीएससी दूसरे को ज्यादा याद रखती है, पहले को तो सब भूल जाते हैं। इसका कैमरा मैन गुड वहां, लेकिन ये ऑप्शन नहीं ना होना, नेट पे देख लें, देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है स्काई से अर्थ का, इसके इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप के और भी कोई जो है कुछ चीजें नजर आ रही है, चमकदार सी, कुछ इनमें से स्टार्स होंगे, कुछ कॉमेट्स होंगे, कुछ ऑस्ट्रॉइड होंगे, कुछ मेटेराइड्स होंगे, कुछ बहुत दूर की गैलेक्सियां तो नहीं नजर आएंगी, करीब तरीन वैसे गैलेक्सी जैसे मिल्की वे गैलेक्सियां ना, तो जमीन के करीब तरीन जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी करीब तरीन गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमीडा। ये आगे शायद कहीं पॉइंट आ भी जाए, लिखा हुआ मैंने एंड्रोमीडा उसको कहते हैं, अगर कहीं एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जमीन के करीब तरीन मिल्की गैलेक्सी
कि करीब तरीन गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमीडा। वैसे तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है, ये अर्थ थी। और ये देखें प्लैनेट्स में अर्थ तीसरे नंबर पे आती है, यार ये कौन सा, ये देखिएगा ये तीसरे नंबर वाली जो है यहाँ पे, ये अर्थ है ये वाली, ये इसमें मार्स भी साथ ही आ गया। ये ब्लू वाली है, ब्लू प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको स्काई में देखें तो ये ब्लू नजर आती है। तो ये सैटर्न को या जुपिटर को, हम ना बारी बारी सबके नाम ले दो ना, सैटर्न को, जुपिटर को, यूरेनस को या नेपच्यून को, है कोई एक तो निकल आएगा। वीनस, गुड, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, तुक्का लगाओ मुसलमानों, एक दो ही रह गए, बाकी भी गिनते हैं। मरकरी, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स, मार्स भी गए। अच्छा अर्थ का जो देख लें, ये यूरेनस को कहा जाता है, डॉक्टर मुसद्दी का, आई थिंक ठीक है। और ये कहा क्यों जाता है, ये इसके गिर्द कुछ गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, तो उस रेड प्लैनेट इसको कहा जाता है। अर्थ जो है उसको हम वर्ल्ड भी कहते हैं, ये देखिए पहला पॉइंट। और ग्रीक में इसको गिया कहते हैं, अर्थ गोडस, आमतौर पर ये जो नाम है प्लैनेट्स के, ये गोडस वगैरह, ये जो ग्रीक लोग वगैरह हैं, उन्होंने अपने जो देवता और खुदा होते थे उनके उनके नाम पे रखा हुआ है। और तीसरा नंबर है इसका, अगर गिने सूरज से, डेंसेस्ट प्लैनेट्स है। डेंसेस्ट से मुराद आप ये लगा लें कि सख्त तरीन आप लगा लें, आम लफ्ज डेंस होता है। बाकी जो प्लैनेट्स है ना वो गैशियस हैं, उनमें हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा है, तो वो गैशियस स्ट्रक्चर है। और अंदर वाले चार जो मैंने आपको बताया था इनर प्लैनेट, वो तो फिर कुछ डेंस हैं। जो बाहर वाले प्लैनेट हैं वो तो ज्यादा गैसेस पे मुश्किल है, और वो रोटेट करती हैं तो उनके गिर्द रिंग्स बन जाती हैं। जैसे सैटर्न के गिर्द रिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, जिसको रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। तो वो रिंग उसकी मंगनी नहीं हुई हुई, वो रिंग जो है वो गैसेस की बनी होती है। बाकियों के गिर्द भी जो बाहर वाले चार हैं वो ज्यादा गैसियस हैं, उनके गिर्द बनी होती है लेकिन इतनी विजिबल नहीं होती। जो सबसे ज्यादा विजिबल होती है वो सैटर्न के गिर्द होती है, तो उसको रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। सैटर्न को रिंग प्लैनेट, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट, अर्थ को ब्लू, मार्स को रेड प्लैनेट, ठीक है। ये आगे आ भी जाएंगे लिखे हुए पॉइंट्स। और प्लैनेट्स भी कहते हैं जो इनर प्लैनेट होते हैं चार अंदर वाले, उनमें ये लार्जेस्ट, आपने देखा अगले जो चार हैं उनके अंदर सबसे बड़ी अर्थ है और डेंसियस भी है। और अभी तक इसी का पता है कि इसके ऊपर लाइफ है, इट इज द ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नाउन टू अकोमोडेट लाइफ, ठीक है। और लाइफ वो कहता है अर्थ पे 3.5 बिलियन।